हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स आल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आप समझते हो कौन सी होती हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मींस वो बुक्स जिसमें ट्रांजैक्शन सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन जिस भी बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं, उन्हीं बुक्स को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री सब्सिडरी बुक्स को क्यों बोलते हैं? वैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा था जर्नल, आपने जर्नल को भी हमने क्या कहा था कि जर्नल भी क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इसको लेकर बहुत ही मन में डाउट होता है कि जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मानना है या हमें सब्सिडरी बुक्स को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मानना है। तो इसके लिए स्टूडेंट बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर बिजनेस है स्मॉल, बिजनेस है स्मॉल, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है लिमिटेड, तो देन हम जर्नल से काम चला सकते हैं। कोई स्मॉल बिजनेस है, ट्रांजैक्शन लिमिटेड है, तो दे फॉलो जर्नल, वो सभी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे और जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद वो उन्हें लेजर में पोस्ट कर देंगे। लेकिन अगर बिजनेस आपका है लार्ज, बिजनेस लार्ज है, बड़ा है, बिग साइज है, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, अगर कोई बड़ा बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, तो इसका मतलब उसकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कैसी होंगी, ज्यादा होंगी। तो इफ देयर इज अ लार्ज इन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल बुक। तो उसके बाद सभी ट्रांजैक्शन को हम सिंगल बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। देन व्हाट वी डू, वी प्रिपेयर सो मेनी जर्नल्स, इंस्टेड ऑफ वन जर्नल वी प्रिपेयर सो मेनी जर्नल। फिर हम एक जर्नल नहीं बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, हम कई सारे जर्नल बनाते हैं, मींस दे कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स, दे कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। और सब्सिडरी बुक्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो सब्सिडरी बुक्स है स्टूडेंट्स, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पार्ट आप कर चुके हो, नोन एज कैश बुक, नोन एज कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स, अदर सब्सिडरी बुक्स। अब इसमें देखो, कैश बुक आप जैसे कि पहले पढ़ चुके हो, कैश बुक मींस वो बुक जिसमें हम कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, या तो कैश रिसिप्ट्स को या कैश पेमेंट्स को, या कैश रिसिप्ट्स या कैश पेमेंट्स। जब कैश की ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो फिर बच कौन सी जाती हैं? फिर बच जाती हैं हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए हम प्रिपेयर करते हैं अदर सब्सिडरी बुक्स। तो आज का हमारा चैप्टर कौन सा है स्टूडेंट्स? अदर सब्सिडरी बुक्स, जिसमें आपको पांच बुक बनानी सीखनी है। कितनी बुक बनानी सीखनी है? पांच। नंबर वन इज परचेज बुक, नंबर टू इज सेल्स बुक, नंबर थ्री इज परचेज रिटर्न बुक, नंबर फोर इज सेल्स रिटर्न बुक, एंड लास्ट नंबर फाइव इज जर्नल प्रॉपर। तो स्टूडेंट मैं दोबारा फिर से बता दूं आपको, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मींस वो बुक जिसमें ट्रांजैक्शन फर्स्ट एवर रिकॉर्ड होती है, जिसमें भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में सबसे पहले रिकॉर्ड करवा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हमारे अकाउंटेंसी में दो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, एक तो जर्नल और दूसरा सब्सिडरी बुक्स। जर्नल और सब्सिडरी बुक का मैं डिफरेंस अभी बता चुका था, बिजनेस स्मॉल है, लिमिटेड ट्रांजैक्शन है, हम जर्नल को प्रेफर करते हैं। अगर हमारा बिजनेस बड़ा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, तो एक जर्नल से काम नहीं चलेगा, हमें कई सारे जर्नल, मतलब कई सारी बुक्स बनानी होगी, देन वी प्रेफर सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस, अदर सब्सिडरी बुक्स फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमारी पांच बुक बनती हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो देन हमारी सबसे पहली बुक जो आज हमें सीखनी है, वो है हमारी परचेज बुक। ये आपका चैप्टर नंबर 12, आपकी बुक्स में चैप्टर नंबर 12 है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। चैप्टर का नाम क्या है? स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, जिसमें हमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की बुक्स बनानी है। परचेज बुक जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट परचेजेस को, सेल्स बुक जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट सेल्स को, परचेज रिटर्न बुक जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट
क्रेडिट परचेस की हुई गुड्स अगर रिटर्न हो रही है उसे सेल्स रिटर्न बुक, अगर क्रेडिट सेल्स की हुई गुड्स रिटर्न आ गई उसे। और बहुत सारी ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स बता दूं मैं आपको, बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो ना तो कैश में इन्वॉल्व होती हैं ना ही वो गुड्स से रिलेटेड हैं, लाइक डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, वो सारी एंट्री जो या तो कैश में भी नहीं आई और वो परचेज सेल्स परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में भी नहीं आई, उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। तो स्टूडेंट्स करते हैं हम स्टार्ट हमारा चैप्टर स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। तो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में मैं आपको एक यूनिक फॉर्मेट, इस चैप्टर में मैं आपको एक यूनिक फॉर्मेट सिखाऊंगा, वही फॉर्मेट उसी की हेल्प से आप क्या बना लोगे, आपको परचेज बुक बनानी है वो भी बना पाओगे, आपको सेल्स बुक बनानी है वो भी बना पाओगे, आपको परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न बनानी है वो भी बना पाओगे। और रही बात जर्नल प्रॉपर की, जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट वही है जो फॉर्मेट आपने किसमें बनाया था, जर्नल चैप्टर में। तो हम बनाएंगे सीखेंगे हमारा स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, जिसमें स्टूडेंट सबसे पहला कॉलम, जिसमें स्टूडेंट सबसे पहला कॉलम बनता है हमारा किसके लिए, डेट के लिए। किसके लिए बनेगा, डेट के लिए। उसके बाद सेकंड कॉलम, आप इसको कह सकते हो बेसिकली पर्टिकुलर्स के लिए भी कह सकते हो, डिटेल्स के लिए भी कह सकते हो, या फिर इसमें मेंशन करते हैं हमारा नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर इन केस ऑफ, नेम ऑफ सप्लायर इन केस ऑफ, ये सप्लायर काम करेंगे यार किसके केस में, इन केस ऑफ परचेज एंड परचेज रिटर्न, नेम ऑफ सप्लायर इन केस ऑफ परचेज एंड परचेज रिटर्न। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है सेल्स का, आपका क्वेश्चन किस चीज का है, सेल्स का, तो आपको यहां पर नेम ऑफ सप्लायर की जगह पे वर्ड यूज करना है नेम ऑफ कस्टमर, क्या यूज करना है, नेम ऑफ कस्टमर। उसके बाद हमारा कॉलम बनता है नेक्स्ट फॉर डिटेल, सेल और परचेज, सीजीएसटी, एसजीएसटी, उसके बाद आईजीएसटी एंड लास्ट फॉर टोटल, टोटल आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, या आप इसको जरूरी नहीं है सीजीएसटी पहले लिख सकते हो एसजीएसटी बाद में लिख सकते हो, टोटल डिटेल्स। तो हमारे कितने कॉलम हो गए, सबसे पहले बल्कि एक इसमें कॉलम हो रहेगा आपका, आ सकता है आप इसमें कॉलम डाल सकते हो, वो आ सकता है आपका लेजर फोलियो के लिए, कौन सा आ सकता है हमारा, लेजर फोलियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम्स आपके यहां पर हमारे हमने बना दिए हैं। इसमें इनवॉइस नंबर के लेकर भी कई बार होता है, वैसे हमारा काम चल जाता है, लेकिन अगर इसमें आप चाहो तो अगर आप बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीटली फॉलो करते हो तो एक कॉलम और आ जाएगा आपका, वो किसके लिए होगा, बेसिकली इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर। टोटल 10 कॉलम्स बनेंगे आपके, इनवॉइस नंबर आपका कॉलम आ जाएगा। तो देन अब इसमें सीखते हैं स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग जो है, अब रिकॉर्डिंग मैंने ये यूनिक फॉर्मेट बताया है, चाहे आप इसको परचेज बुक में यूज करो, चाहे आप इसको सेल्स बुक में यूज करो, या आप इसको रिटर्न बुक में यूज करो, मींस परचेज बुक के लिए, सेल्स बुक के लिए, परचेज रिटर्न के लिए, सेल्स रिटर्न के लिए, जो हमारा कॉलम है वो सेम है, सिर्फ फर्क किस चीज का होगा, फर्क होगा हमारा अगर परचेज बुक बना रहे हैं तो यहां पर आप वर्ड यूज करोगे टोटल परचेज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग सेल्स बुक तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर वर्ड यूज करोगे क्या, टोटल सेल्स। और दूसरा पर्टिकुलर वाले में इन केस ऑफ परचेज और परचेज रिटर्न नेम ऑफ सप्लायर, क्योंकि हम गुड्स किससे परचेज कर रहे हैं, सप्लायर से, और रिटर्न भी किसको करेंगे, सप्लायर को। इन केस ऑफ सेल्स बुक, इन केस ऑफ सेल्स बुक हम यूज करेंगे नेम ऑफ कस्टमर, क्या यूज करेंगे, नेम ऑफ कस्टमर, एंड सेल्स रिटर्न के केस में भी नेम ऑफ कस्टमर ही आपका मेंशन होगा। बाकी चारों बुक्स में, इन जो चारों बुक्स हमारी बनी है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन सभी के केस में जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर मैनर से रिकॉर्ड होती है। और वो मैनर कैसा है, सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि सपोज करो हम परचेज बुक बना रहे हैं और आपको मेंशन दिया हुआ है कि 15th of April को आपने गुड्स परचेज करे हैं मोहनलाल
फ्रॉम दिल्ली। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप नाम मेंशन करोगे कैपिटल लेटर्स में मोहनलाल और कोमा लगा के दिल्ली और इसको अंडरलाइन कर देना। ये मैंने किसका नाम मेंशन कर दिया स्टूडेंट्स, ये सप्लायर का नाम है। अगर मैं परचेज कर रहा हूं गुड्स तो ये सप्लायर का नाम है, अगर मैं गुड्स को सोल्ड कर रहा होता तो ये किसका नाम होता, ये कस्टमर का नाम होता। तो मेंशन करते हैं किस चीज का, सबसे पहले ट्रांजैक्शन में उस परचेजर का या उस सेलर का नाम लिखते हैं जिसको जिससे हमने या तो गुड्स परचेज किए हैं मींस सप्लायर, या हमने जिसको गुड्स सोल्ड किए हैं मींस कस्टमर। और एक स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रहे, वी रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वी रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। और दूसरा आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, वी यूज्ड टर्म परचेज एंड सेल्स ओनली फॉर दोस आइटम्स इन विच वी डील्स, जिस चीज में हम डील्स डील करते हैं, जो हमारा बेसिकली काम है उसी चीज को खरीदेंगे या बेचेंगे तो ही टर्म यूज होगी सेल्स या परचेज। अगर आपका बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का, बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट का और लेकिन आपने फर्नीचर को परचेज किया है तो फर्नीचर परचेज करने की एंट्री आप परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, बिकॉज अगर आप कोई कपड़े खरीद रहे हो तो आप उसको इस बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। अब हमने यहाँ पर परचेज बुक बना रहा हूं तो मैंने लिखा है कि परचेज गुड्स बोर्ड गुड्स फ्रॉम मोहनलाल दिल्ली, मोहनलाल दिल्ली से हमने गुड्स परचेज किए हैं। सपोज करो हमारा बिजनेस है इलेक्ट्रिक बिजनेस, हमारा बिजनेस कैसा है इलेक्ट्रिक बिजनेस है, तो इलेक्ट्रिक बिजनेस में हम क्या चीज खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिजनेस में मान लो हम खरीद सकते हैं पहले डिस्क्रिप्शन 40 ट्यूबलाइट्स एट द रेट, पहले लिखोगे 40 मतलब जितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं क्या चीज परचेज कर रहे हैं और उसका प्राइस क्या है, प्राइस है 500 पर ट्यूबलाइट, 500 रुपए पर ट्यूबलाइट खरीद रहे हैं। 15 टेबल फैन एट द रेट उसका प्राइस है 2000 ईच, और उसके बाद हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, लेस करेंगे बाद में ट्रेड डिस्काउंट जो कि गिवन है क्वेश्चन में 20%, जो कि गिवन है क्वेश्चन में 20%। तो उस 20% में इसमें सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिटेल में अमाउंट निकाल लेंगे कि जो ट्यूबलाइट हमने परचेज की है ये आ गई हमारी 20,000 रुपीज की, ट्यूबलाइट कितने की हो गई हमारी ये 20,000 रुपीज की हो गई, टेबल फैन हो गए हमारे 30,000 रुपीज के, टोटल अमाउंट हो गया हमारा कितना 50,000 का 20% हमें लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, ये हो गया हमारा 10,000 लेस करके जो वैल्यू बचेगी, जो एक्चुअल सेल वैल्यू आ गई हमारी या परचेज वैल्यू आ गई 40,000, एक्चुअल सेल या परचेज वैल्यू क्या आ गई हमारी 40,000 रुपीज आ गई है। और इस 40,000 के बाद जो भी आपके क्वेश्चन में सीजीएसटी गिवन है एसजीएसटी गिवन है या आईजीएसटी गिवन है, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी गिवन है उससे रिलेटेड आप उसको ऐड कर दोगे, ऐड सीजीएसटी एसजीएसटी। सपोज करो क्वेश्चन में आपको ये गिवन कर रखा है 5%, कितना गिवन है 5%, तो आपका 5% 2000 रुपीज आ जाएगा आपका सीजीएसटी, 2000 रुपीज आ जाएगा आपका एसजीएसटी, टोटल वैल्यू आपकी बन जाएगी उसके बाद कितनी। अब आपको इसको करना क्या है, 40,000 एक्चुअल प्राइस ऑफ परचेज, अगर आप परचेज का केस ले रहे हो तो आप यहां पर परचेज वर्ड यूज करोगे, अगर आप सेल्स का केस ले रहे हो तो आप यहां पर सेल्स वर्ड यूज करोगे। तो परचेज और सेल्स में तो आएगा एक्चुअल सेल्स या परचेज अमाउंट, सीजीएसटी में आएंगे उसके अमाउंट, एसजीएसटी में आएगा उसका अमाउंट, आईजीएसटी इस क्वेश्चन में है नहीं, टोटल अमाउंट हो गया हमारा 44,000। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी एक ट्रांजेक्शन पूरी होगी, ये ट्रांजेक्शन जो भी हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है ठीक इसी मैनर में जिस तरह से मैंने आपको एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके दिखाई है, मैं फिर बता रहा हूं परचेज बुक का केस हो सेल्स बुक का केस हो परचेज रिटर्न का केस हो या सेल्स रिटर्न का केस हो, सभी केसों में फॉर्मेट सेम बनेगा, चेंज आएगा तो सिर्फ नेम ऑफ सप्लायर इन केस ऑफ परचेज एंड परचेज रिटर्न, नेम ऑफ कस्टमर इन केस ऑफ सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, और यहाँ पर परचेज या सेल्स बाकी क्वेश्चन सेम है। अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसी स्टेट में, अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सेम स्टेट में तो जीएसटी डिवाइड होगी दो पार्ट्स में, आधे पैसे एसजीएसटी के आधे पैसे सीजीएसटी के, और अगर ट्रांजेक्शन हो रही है उस स्टेट से दूसरे स्टेट में तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे किस चीज में, आईजीएसटी में।
ठीक इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि हमने 15 अप्रैल को गुड्स परचेज किए हैं, किससे? मोहनलाल दिल्ली से। तो पहले उसका नाम लिखोगे सप्लायर का, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स कि हमने 40 ट्यूबलाइट ली है, 500 की एक थी, 15 टेबल फैन ली है, 2000 का एक था, उसके हिसाब से टोटल अमाउंट, फिर हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में जीएसटी नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन में जीएसटी नहीं है तो डायरेक्ट 40,000 को आप टोटल में लिख दोगे, और अगर किसी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, आप ट्रेड डिस्काउंट को लेस नहीं करोगे, और बाद में जैसे ही आप सभी एंट्रीज को कर लोगे तो आपको इसको डिटेल वाले का टोटल नहीं करना है, बाकी सबका आपको टोटल करके अमाउंट निकालना है कि टोटल परचेज या सेल्स कितनी थी, टोटल एसजीएसटी कितना था, टोटल सीजीएसटी कितना था, टोटल आईजीएसटी कितना था, और ग्रांड टोटल हमारा कितना है। इसी प्रोसेस से स्टूडेंट्स आपको जो मेन ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1-8 कौन से क्वेश्चन बनते हैं हमारे 1-8, ये आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।